तो बहुत सारी देर ये सवाल मेरे दिमाग में अटका रहा और मैं इसके जवाब में नाकाम कोशिश करता रहा और कहीं जब मुझे कोई जवाब मिला तो महज ये था कदर नाहंजार और बेवकूफ लोग हैं कि हम अपने होने के मामलात के बारे में नहीं सोचते, उस पर कुदरत हासिल नहीं करना चाहते लेकिन अपनी मौत पर कुदरत हासिल करना चाहते। तो वो जो दो जगहें हैं, आपका पैदा होना और आपकी मौत, उसके बीच का मामला एंजॉय कीजिए। डोंट थिंक अबाउट हु हाउ यू विल बर्न और बॉर्न एंड हाउ व्हाई यू विल डाई, दैट रेस्ट विद द अलाह अलमाइटी। When I was to find the difference between Allah and the man, the first difference I got was bebasi. Man is to live with the bebasi, and that is the identity of a man, of a person. Wo bebas nahi. So when we believe that hum bebas hain, we start enjoying. Wo bebas ko pasand karta hai. And you go closer to him first. फिर मैं कभी जब दुआ मांगता था, खाल खाल थोड़ी नमाजें मेरी जिंदगी में, हम जैसों की वो थोड़ी नमाजें बड़ी होती हैं क्या है? पुराने जमाने में फिका बोला जाता था, खातमुतार समझ खतनुतार। तो मैं दुआ करता था, या अल्लाह कभी किसी माँ कभी माँ बाप के कंधे पर, बाप के कंधे पर औलाद का जनाजा ना। ये अजीब सी डेविएशन आती है हमारी सिंपली गोइंग लाइफ में जो मार डालती है। ऐसे माँ बाप दो दफा मरते हैं, एक दफा उस दिन जब औलाद मरती है और एक दफा उस दिन जिस दिन वो तबाही मौत आती है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, मी बीइंग फादर, मोस्ट ऑफ यू आर फादर, ये दुआ किया करें जब भी मौका मिले, जब भी नमाज पढ़िए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ ऐसी कोई महफिल हो, या अल्लाह कभी किसी बाप के कंधे पर औलाद का जनाजा ना। इससे ज्यादा हमारी स्ट्रगल सिट डाउन और सोचते हैं हमने जिंदगी में क्या किया, हमें पता चलता है कि हमने जितने लफड़े किए, जितना कुछ पढ़ा, जितनी कोशिशें करते रहे, जितनी नाकामियां और कामयाबियों के बीच में करते रहे, वो अपनी औलाद के लिए करते। तीसरी बात जो कभी मैंने लिखा, ये भी दुआ कीजिए कि खुदा लोगों को तसल्लियों से महफूज रखे। कहने को तसल्ली, क्योंकि जिस आदमी को दी जाती है और देने वाला, उस दोनों में फीलिंग का जमीन आसमान का फर्क होता है। तसल्ली सच अ फॉर्मल थिंग, और जो भुगत रहा होता है, अल्लाह अल्लाह में अल्लाह मैं क्या कहूँ। इसी तरह मैंने भी किसी वक्त अपनी बेटी गंवाई थी, शी वाज टू स्मॉल अ चाइल्ड, गलती से उसने पेट्रोल पी लिया, तो मैं उसकी कब्र पर कंधा थे दो अशार मेरे, वो मैं अर्ज कर देता हूँ, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा बेटी के बारे में। मेरी बच्ची, मैं वो बंदो नसा के रिश्ते, तेरी तुर्बत के सरहाने पे ही तोड़ आया। मेरी बच्ची, मैं वो पंदो नसा के रिश्ते, तेरी तुर्बत के सरहाने पे ही तोड़ आया हूँ। मैं जो कहता था कि मिट्टी से ना खेला करना, तुझको मिट्टी के ही ढेर में छोड़ आया। तो लास्टली लेट मी डिफाइन व्हाट तैयबा इज़ टू मी। मैंने कभी लिखा, इस बार से सुनिएगा प्लीज, ये डायरियां गुम हो चुकी लेकिन मेरी यादाश्त में महफूज है। तो मैं एक ही वक्त में खुदा और दोस्त दोनों निकला, सोचा खुदा अगर पहले मिल गया तो उससे उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा। हुआ ये कि दोस्त पहले मिल गया और खुदा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। थैंक यू।